सब थेरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरोपॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था जिसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? हाँ। मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे स्वर्गवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं हैं। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। रीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। रीना। पर अंकल विचाय। मेरे बच्ची, मेरी बात समझो। थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो, मुझे माफ करना। पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो। लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। नहीं, छोड़ो मुझे। रशीद, 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 तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ₹2005 बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। जरा ये देखो जल्दी। क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो। जरा दिमाग से काम लो।
इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया, समझे? फिकर नॉट, मर गए। क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा, बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? नहीं होता, ये तो बुरा हुआ, ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? तेरी, ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं, मारे गए। ये सब थेरापॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरापॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स, मुझे वो टेप चाहिए था, इसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरापॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे स्वर्गवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। लीना, पर अंकल विचाय। मेरी बच्ची, मेरी बात समझो, थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो।
मुझे माफ करना, पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो, लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। नहीं, छोड़ो मुझे। रशीद, 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 तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। जरा ये देखो जल्दी, क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो, जरा दिमाग से काम लो। इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया, समझे? फिकर नॉट, मर गए। क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी ही गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा, बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? हाँ? था तेरी। ओ, ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। हा? मारे गए। ये
सब थेरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरोपॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था जिसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? हाँ। मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप स्वर्गवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं हैं। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। लीना। पर अंकल विचाय। मेरे बच्ची, मेरी बात समझो। थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो, मुझे माफ करना। पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो। लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। रशीद! 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 तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ₹2005 बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। क्या? ओए! टॉस, जरा ये देखो जल्दी। क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो, जरा दिमाग से काम लो।
इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी, बटन शटन दबा दो अभी। और ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया, समझे? फिकर नॉट, मर गए। क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौक रही गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा, बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतने टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ हाँ, था तेरी। ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए। ये सब थेरापॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरापॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स, मुझे वो टेप चाहिए था, इसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरापॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? हाँ। मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे बलवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। लीना, पर अंकल विचाय। मेरी बच्ची, मेरी बात समझो, थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो,
मुझे माफ करना, पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो, लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। नहीं, छोड़ो मुझे। रशीद, 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 तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ₹2005 बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। ओए, टॉस है, जरा ये देखो जल्दी। क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो, जरा दिमाग से काम लो। इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया, समझे? फिकर नॉट, मर गए। क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी ही गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा, बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? हाँ? तेरी ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए। ये सब
सब थेरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरोपॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था। उसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप वासी डैड डॉक्टर पियर जॉवे के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। रीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। रीना, पर अंकल विचाय। मेरी बच्ची, मेरी बात समझो। थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो, मुझे माफ करना। पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो। लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। नहीं, छोड़ो मुझे। मुझे खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। रशीद, 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 रशीद। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। क्या? ओए! टॉस, जरा ये देखो जल्दी। क्या है? हैं? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो, जरा दिमाग से काम लो।
इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी, बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया। समझे? फिकर नॉट, मर गए। क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी ही गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा, बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? हाँ? था तेरी। ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए। ये सब थेरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरोपॉड जैसे ओवराप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था, उसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? हाँ। मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे बलवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। लीना। पर अंकल विचाय। मेरे बच्ची, मेरी बात समझो, थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे ही चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो,
मुझे माफ करना, पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो, लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। नहीं, छोड़ो मुझे, ये खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। रशीद! 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 तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ₹2005 बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। जरा ये देखो जल्दी, क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो, जरा दिमाग से काम लो। इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हा? हा? जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया, समझे? फिकर नॉट, मर गए। बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी ही गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? तेरी ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए। ये सब
थेरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरोपॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था जिसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वाटर्नरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? हाँ। मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप वासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। रीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। रीना, पर अंकल विचाय। मेरी बच्ची, मेरी बात समझो। थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो, मुझे माफ करना। पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो। लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। नहीं, छोड़ो मुझे। रशीद, 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 रशीद। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। जरा ये देखो जल्दी। क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो। जरा दिमाग से काम लो,
इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया। समझे? फिकर नॉट, मर गए। क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा, बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? हाँ? था तेरी। ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए। सब थेरापॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरापॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था, इसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरापॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? हाँ। मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे स्वर्गवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। लीना। पर अंकल विचाय। मेरे बच्ची, मेरी बात समझो, थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो।
मुझे माफ करना, पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो, लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। रशीद, 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 रशीद। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ₹2005 बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। क्या? ओए, टॉस है, जरा ये देखो जल्दी। क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो, जरा दिमाग से काम लो। इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी, बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया, समझे? फिकर नॉट, मर गए। क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा, बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ हाँ, धत्तेरी। ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए।
ये सब थेरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरोपॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था जिसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे स्वर्गवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। लीना, पर अंकल विचाए। मेरे बच्ची, मेरी बात समझो। थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे ही चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो, मुझे माफ करना। पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो। लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। रशीद, 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 तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। ओए, टॉस है, जरा ये देखो जल्दी। क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो, जरा दिमाग से काम लो।
इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया। समझे? फिकर नॉट, मर गए। क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी ही गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा, बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? हाँ? था तेरी। ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए। ये सब थेरापॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरापॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था। उसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरापॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप स्वर्गवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवे के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम है। रीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। रीना, पर अंकल विचाय। मेरी बच्ची, मेरी बात समझो। थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो।
मुझे माफ करना, पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो, लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अंदर, चलो। रशीद, 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 रशीद। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। जरा ये देखो जल्दी, क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो, जरा दिमाग से काम लो। इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हा? हा? जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी, बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खो देंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया। समझे? फिकर नॉट, मर गए। बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी ही गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? हाँ? था तेरी। ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए। ये
सब थेरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरोपॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था जिसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वाटर्नरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह, पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप बलवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवे के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। लीना, पर अंकल विचाय। मेरे बच्ची, मेरी बात समझो। थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे ही चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो, मुझे माफ करना। पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो। लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। रशीद! 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 तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। टॉस है, जरा ये देखो जल्दी। क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो, जरा दिमाग से काम लो।
इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया। समझे? फिकर नॉट, मर गए। क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी ही गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा, बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? हाँ? तेरी नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए। ये सब थेरापॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरापॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था। उसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरापॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे बलवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। रीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। रीना, पर अंकल विचाय। मेरी बच्ची, मेरी बात समझो। थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे ही चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो।
मुझे माफ करना, पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो, लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। नहीं, छोड़ दो मुझे। ये खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। रशीद, 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 तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। जरा ये देखो जल्दी, क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो। जरा दिमाग से काम लो, इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी, बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया। समझे? फिकर नॉट, मर गए। क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी ही गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? तेरी ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए। ये
सब थेरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरोपॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था जिसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वाटर्नरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रोलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? हाँ। मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप वासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, यह इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। लीना, पर अंकल विचाय। मेरे बच्ची, मेरी बात समझो। थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो, मुझे माफ करना। पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो। लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। नहीं, छोड़ो मुझे, ये खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। डॉक्टर, डॉक्टर, रशीद, 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 रशीद। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। क्या? ओए, टॉस है, जरा ये देखो जल्दी। क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो, जरा दिमाग से काम लो।
इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया, समझे? फिकर नॉट, मर गए। क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा, बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? नहीं होता, ये तो बुरा हुआ, ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये टूट कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? तेरी, ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं, मारे गए। ये सब थेरापॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरापॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स, मुझे वो टेप चाहिए था, इसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरापॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे वनवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। लीना, पर अंकल विचाय। मेरी बच्ची, मेरी बात समझो, थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो।
मुझे माफ करना, पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो, लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। नहीं, छोड़ दो मुझे। ये खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। रशीद, 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 तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। क्या? ओए! टॉस, जरा ये देखो जल्दी। क्या है? हैं? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो। जरा दिमाग से काम लो। इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो, जल्दी बटन शटन दबा दो अभी। पर ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खो देंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया। समझे? फिकर नॉट, मर गए। अरे ये तूने क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी ही गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? यार मुझे यकीन नहीं होता, ये तो बुरा हुआ, ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? हाँ? तेरी। ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए। ये
ये सब थेरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरोपॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था जिसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? हाँ। मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप स्वर्गवासी डैड डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं हैं। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। लीना। पर अंकल विचाय। मेरे बच्ची, मेरी बात समझो। थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो, मुझे माफ करना। पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो, लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता। रशीद! 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 तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ₹2005 बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। क्या? ओए! टॉस, जरा ये देखो जल्दी। क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो, जरा दिमाग से काम लो।
इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी, बटन शटन दबा दो अभी। और ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खोदेंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया। समझे? फिकर नॉट, मर गए।